माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज मैं देने आया हूँ जवाब आपके सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन। आज जो था वो था सर कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले कि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जैक्टली ग्राफ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि नीट का रिजल्ट आने की संभावना क्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम लोग 2020 का एनालिसिस देखें तो 2020 में चूंकि कोरोना पीक पे था, उस साल एग्जामिनेशन 13 सितंबर को हुआ और रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। मतलब 1 महीने 3 दिन के गैप में आपका रिजल्ट यहां पे डिक्लेयर हुआ था। वहीं पे 2021 का जब सिचुएशन आप देखोगे तो एग्जामिनेशन डेट ऑलमोस्ट वही था, 12 सितंबर एक दिन पहले एग्जाम हुआ था, लेकिन रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था उसमें थोड़ा लेट हुआ था। वो 1 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इसका मतलब आपके पास सीधा और सीधा मतलब 48 डेज का टाइम जो है वो लिया गया था। अब इस बार जो सिचुएशन निकल के आ रही है रिजल्ट का, उसमें सबसे पहले ये आ रहा है कि जो अभी री एग्जामिनेशन होना है नीट का, जहां भी जिस सेंटर में गड़बड़ी हुई है उस सेंटर का, तो एग्जैक्टली जो है उसका एग्जामिनेशन का डेट एग्जैक्ट एनटीए क्या रखती है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि टेंटेटिव डेट जो हम लोग को पता चल रहा है शायद 15 अगस्त तक जा सकता है। अगर इतना डिले चल गया तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप मान के चलिए कि आपका जो है वो 1 सितंबर भी चला जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरह से एनटीए जो है उनका एग्जाम कंडक्ट करती है। लेकिन अगर एनटीए जो है वो जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा दे तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा परेशानी होगा। तुरंत रिजल्ट 2-3 दिन के मार्जिन में भी दिया जा सकता है। जैसे आपको मैं कॉमन एग्जांपल 2020 नीट का बता रहा हूं, 2020 नीट में एनटीए ने री एग्जामिनेशन लिया था उन बच्चों का जो बाढ़ वगैरह में जो है फंस गए थे, नहीं जा पाए, कोरोना की वजह से सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हुई थी, तो उन बच्चों का एक अलग एग्जाम हुआ था। और रिजल्ट डिक्लेयर होने का जो डेट था 16 अक्टूबर, उसके जस्ट पहले 14 या 13 अक्टूबर को वो एग्जामिनेशन हुआ था कंडक्ट, मतलब तुरंत 2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो अगर इस तरह से 15 अगस्त तक भी अगर मान लो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है एनटीए, तो मान के चलिए कि पहले बाकी बच्चों का कॉपी चेक हो चुका होगा, सारा कुछ रिजल्ट तैयार होगा, बस केवल उन्हीं के वजह से रिजल्ट तैयार करना है जो थोड़ा बच्चे जो देंगे 900 1000 बच्चे जिनको रिलिखना होगा, उसके वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन का भी मार्जिन काफी हो सकता है। और ऐसे स्थिति में आपकी रिजल्ट जो है, आपके रिजल्ट का जो एग्जैक्ट डेट हो सकता है वो 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच हो सकता है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। मतलब अगस्त के आखिरी वीक में ही आपका रिजल्ट नीट का डिक्लेयर होने की उम्मीद होगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि नीट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आपके सामने तब मैं आपके साथ जरूर रखूंगा, लेकिन अगर आप बैक रिकॉर्ड सारा देखें तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में नीट का रिजल्ट आने की संभावना है। आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि कब नीट का रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी बात, आज हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे 10 बजे रात 10 बड़ी बड़ी बातों के साथ। थैंक यू।